उसका हिसाब चाहिए मुझे। जान लीजिए यहाँ फिल्म बिगल देखने से पहले पूरा रिव्यू और यहाँ देखे फिल्म को फ्री में। फिल्म के इंटरवल सीन में विजय यानी माइकल को रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है। जिस टाइम वो स्टेशन पर एंट्री लेता है उस समय तक ट्रेन चल चुकी होती है, तभी वो भागते हुए ट्रेन पर चढ़ता है। इस सीन को आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेन में चढ़ते समय वो सबसे पहले अपना लेफ्ट पैर आगे बढ़ाता है, लेकिन ट्रेन के अंदर से दूसरे एंगल से जब वो सीन दिखाया जाता है तो उसका राइट वाला पैर आगे होता है। ये एक मिस्टेक थी जो आप में से काफी लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। इस फिल्म के लिए विजय ने फुटबॉल में स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। साथ ही फिल्म के मेन सीक्वेंस के लिए पॉपुलर स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर एमी मैकडेनियल और जस्टिन स्कीनर को बुलवाया गया था, जो अपने करियर में पेले, बर्थ ऑफ ए लेजेंड, मिलियन डॉलर आर्म और 13 रीजन हाई जैसे फिल्मों के लिए भी काम कर चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद विजय ने अपने सभी क्रू मेंबर्स को 400 सोने की अंगूठी गिफ्ट की थी। इन सभी अंगूठी पर फिल्म का टाइटल बिगिल प्रीटेंट था। इसके बाद देश भर में विजय की काफी तारीफ हुई थी, लेकिन इस दौरान विजय इनकम टैक्स की नजरों में आ गए। इसके बाद मार्च 2020 में विजय के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी। इस रेड में इनकम टैक्स की तरफ से कुछ फिगर जारी किए गए थे, जिनमें बताया गया था कि विजय ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए कैश में लिए थे। इसके अलावा उनके घर काफी सारा कैश भी मिला था। मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बाइक सीक्वेंस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस सीक्वेंस में विजय बाइक राइड करते रहे होते हैं, जिसमें उन्हें
ड्रिफ्ट करते हुए भी दिखाया गया है। ये सीन फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस में से एक था। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। सुपरस्टार विजय की बिगल नहीं रिलीज हो रही है हिंदी में, यह है कारण। साथ ही जाने फिल्म की कहानी। सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म बिगल 25 अक्टूबर को सिनेमा घरों में होगी। इस फिल्म से हिंदी दर्शक महरूम रह जाएंगे क्योंकि इसे हिंदी भाषा में रिलीज नहीं किया जा रहा है, ये केवल तमिल और तेलुगु भाषा में लगाए जा रहे हैं। भले ही ये शुद्ध रूप से साउथ की फिल्म हो, लेकिन इसका क्रेज हिंदी इलाकों में भी जबरदस्त है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब जब साउथ की फिल्में डब होकर हाथों हाथ उत्तर भारत में भी रिलीज हो जाती है तो बिगल क्यों नहीं हो रही है। इस सवाल को आज जवाब मेकर्स ने दे दिया है। इस फिल्म की क्रिएटिव प्रोड्यूसर अर्चना कलापति ने कहा है कि हमने ये उम्मीद नहीं की थी पूरे भारत में इस फिल्म को लेकर माहौल बन जाएगा, इसलिए हमने केवल तमिल और तेलुगु वर्जन प्लान किए थे। हिंदी में डब करने में काफी वक्त लगता जो हमारे पास नहीं था। अगर हम हिंदी में इसे लाते तो दिवाली रिलीज मिस कर जाते। बता दें कि ये फिल्म उत्तर भारत में भी 200 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 180 करोड़ रुपए में बनाया गया और ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है और विजय ने पिछले काफी समय से इस जॉनर में काम नहीं किया था। AGS प्रोडक्शन ने इसे बनाया है। निर्देशक इटली ने बिगल को बनाया है। वे विजय के साथ दो सफल फिल्में थेरी और मार्शल बना चुके हैं। मेकर्स इस फिल्म से कमर्शियल फॉर्मेट में महिला संस्थीकरण पर भी एक संदेश दे रहे हैं। कहानी में विजय को कोच का रोल मिला है जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट में महिला टीम की मदद करते हैं। विजय के दो अवतार यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक कोच के रूप में और दूसरा गैंगस्टर के रूप में। इसमें एक्ट्रेस नयनतारा भी है। एक्टर जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में कॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। लगभग इस 10 साल के बाद बिगल में ये खलनायक के रूप में आ रहे हैं। इसमें आईएम विजयन और विवेक कथिर, आनंद राज, डैनियल वलाजी, योगी बाबू, देव दिशानी, सिंधु रविचंद्रन, रेवा मोनोजान और वर्षा बोलम्मा के भी खास रोल है। AR रहमान का म्यूजिक है जो काफी हिट हो चुका है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन, साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलापति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक कि 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत AR मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वहीं अगर बात करें फिल्म बिगल की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। Thank you.
इसकी तारीफ में हम किताबें लिख सकते हैं। हाँ शिवान जी पीछे को चल रहे अनुपमा को शिवांगी ने इंट्रोड्यूस किया ऑन स्क्रीन ना लाइक हमारे नई शो आ रही है सहेली आने वाली है ये वो आने वाली है रियली मिस थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाओ भाई थोड़ा थोड़ा पीछे आ अबीर मीट योर मम्मा सर सर एक सेकंड रेडी शांताराम यस सर यस सर रेडी और एक रेडी मैम सेंटर सेंटर शरद हम लोग कितना दूर है 5 फुट दूर है एक साथ में जी इधर थोड़ा पीछे हो जाओ रूपाली यहाँ पे बड़ा साइड रूपाली जी दो साथ में आइए ना इधर टर्न कम क्लोज रूपाली जी कम क्लोज यहाँ पे राइट में रूपाली जी राइट में अभी यहाँ पे लास्ट यहाँ पे चिकी 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 चिक
महेश बाबू, महेश बाबू सर कम कर पाली को बोला पाली बोलो पाली सेंटर अरे शिवांगी शिवांगी मैम इधर देखिए अभी से शो में गया था इस शो में गया अरे और फिर क्या होता बोले कि ये अरे कौन है यार मोबाइल में आता है शिवांगी जी इधर मैम यहां शिवांगी जी यहां पे ये पीछे ले ना बिलाल को आगे शिवांगी जी और खूबसूरत हो गई यार वेट शिवांगी सेंटर लुक चलो अभी वन टू वन जी आप सेंटर 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 अजय सर 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 वेट सर 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 यहीं पे सर वेट सर अजय सर यहाँ पे पानी पर पीछे नहीं आया रहीम सर सर पे हो गया आप लोग का साथ अजय सर सराया, सराया, सराया। दर्शन के बीच में कब जाऊंगा बाय सर बाय सर थैंक यू सर Thank you.
फिल्म बिगल देखने से पहले पूरा रिव्यू और यहाँ देखे फिल्म को फ्री में। फिल्म के इंटरवल सीन में विजय यानी माइकल को रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है। जिस टाइम वो स्टेशन पर एंट्री लेता है उस समय तक ट्रेन चल चुकी होती है, तभी वो भागते हुए ट्रेन पर चढ़ता है। इस सीन को आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेन में चढ़ते समय वो सबसे पहले अपना लेफ्ट पैर आगे बढ़ाता है, लेकिन ट्रेन के अंदर से दूसरे एंगल से जब वो सीन दिखाया जाता है तो उसका राइट वाला पैर आगे होता है। ये एक मिस्टेक थी जो आप में से काफी लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। इस फिल्म के लिए विजय ने फुटबॉल में स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। साथ ही फिल्म के मेन सीक्वेंस के लिए पॉपुलर स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर एमी मैकडेनियल और जस्टिन स्कीनर को बुलवाया गया था, जो अपने करियर में पेले, बर्थ ऑफ ए लेजेंड, मिलियन डॉलर आर्म और 13 रीजन हाई जैसे फिल्मों के लिए भी काम कर चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद विजय ने अपने सभी क्रू मेंबर्स को 400 सोने की अंगूठी गिफ्ट की थी। इन सभी अंगूठी पर फिल्म का टाइटल बिगिल प्रीटेंट था। इसके बाद देश भर में विजय की काफी तारीफ हुई थी, लेकिन इस दौरान विजय इनकम टैक्स की नजरों में आ गए। इसके बाद मार्च 2020 में विजय के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी। इस रेड में इनकम टैक्स की तरफ से कुछ फिगर जारी किए गए थे, जिनमें बताया गया था कि विजय ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए कैश में लिए थे। इसके अलावा उनके घर काफी सारा कैश भी मिला था। मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बाइक सीक्वेंस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस सीक्वेंस में विजय बाइक राइड करते रहे होते हैं, जिसमें उन्हें ड्रिफ्ट करते हुए भी दिखाया गया है। ये सीन फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस में से एक था। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। सुपरस्टार विजय की बिगल नहीं रिलीज हो रही है हिंदी में, ये है कारण। साथ ही जाने फिल्म की कहानी। सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म बिगल 25 अक्टूबर को सिनेमा घरों में होगी। इस फिल्म से हिंदी दर्शक महरूम रह जाएंगे, क्योंकि इसे हिंदी भाषा में रिलीज नहीं किया जा रहा है, ये केवल तमिल और तेलुगु भाषा में लगाए जा रहे हैं। भले ही ये शुद्ध रूप से साउथ की फिल्म हो, लेकिन इसका क्रेज हिंदी इलाकों में भी जबरदस्त है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब जब साउथ की फिल्में डब होकर हाथों हाथ उत्तर भारत में भी रिलीज हो जाती है तो बिगल क्यों नहीं हो रही है। इस सवाल को आज जवाब मेकर्स ने दे दिया है। इस फिल्म की क्रिएटिव प्रोड्यूसर अर्चना कलापति ने कहा है कि हमने ये उम्मीद नहीं की थी पूरे भारत में इस फिल्म को लेकर माहौल बन जाएगा, इसलिए हमने केवल तमिल और तेलुगु वर्जन प्लान किए थे। हिंदी में डब करने में काफी वक्त लगता, जो हमारे पास नहीं था। अगर हम हिंदी में इसे लाते तो दिवाली रिलीज मिस कर जाते। बता दें कि ये फिल्म उत्तर भारत में भी 200 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 180 करोड़ रुपए में बनाया गया और ये एक पोस्ट ड्रामा है, और विजय ने पिछले काफी समय से इस जॉनर में काम नहीं किया था। AGS प्रोडक्शन ने इसे बनाया है। निर्देशक इटली ने बीगल को बनाया है। वे विजय के साथ दो सफल फिल्में थेरी और मार्शल बना चुके हैं। मेकर्स इस फिल्म से कमर्शियल फॉर्मेट में महिला संस्थिकरण पर भी एक संदेश दे रहे हैं। कहानी में विजय को कोच का रोल मिला है, जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट में महिला टीम की मदद करते हैं। विजय के दो अवतार यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक कोच के रूप में और दूसरा गैंगस्टर के रूप में। इसमें एक्ट्रेस नयनतारा भी है। एक्टर जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में कॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। लगभग इस 10 साल के बाद बिगल में ये खलनायक के रूप में आ रहे हैं। इसमें IMV जैन और विवेक कथिर, आनंद राज, डैनियल वलाजी, योगी बाबू, देव दिशानी, सिंधु रविचंद्रन, रेवा मोनोजान और वर्षा बोलम्मा के भी खास रोल है। AR रहमान का म्यूजिक है, जो काफी हिट हो चुका है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगल।
जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक कि 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत एआर मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बीगल की ओटीटी रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। जान लीजिए यहाँ फिल्म बिगल देखने से पहले पूरा रिव्यू और यहाँ देखे फिल्म को फ्री में। फिल्म के इंटरवल सीन में विजय यानी माइकल को रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है। जिस टाइम वो स्टेशन पर एंट्री लेता है उस समय तक ट्रेन चल चुकी होती है, तभी वो भागते हुए ट्रेन पर चढ़ता है। इस सीन को आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेन में चढ़ते समय वो सबसे पहले अपना लेफ्ट पैर आगे बढ़ाता है लेकिन ट्रेन के अंदर से दूसरे एंगल से जब वो सीन दिखाया जाता है तो उसका राइट वाला पैर आगे होता है। ये एक मिस्टेक थी जो आप में से काफी लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। इस फिल्म के लिए विजय ने फुटबॉल में स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। साथ ही फिल्म के मेन सीक्वेंस के लिए पॉपुलर स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर एमी मैकडेनियल और जस्टिन स्किनर को बुलवाया गया था जो अपने करियर में पेले, बर्थ ऑफ ए लेजेंड, मिलियन डॉलर आर्म और 13 रीजन हाई जैसे फिल्मों के लिए भी काम कर चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद विजय ने अपने सभी क्रू मेंबर्स को 400 सोने की अंगूठी गिफ्ट की थी। इन सभी अंगूठी पर फिल्म का टाइटल बिगिल प्रीटेंट था। इसके बाद देश भर में विजय की काफी तारीफ हुई थी लेकिन इस दौरान विजय इनकम टैक्स की नजरों में आ गए। इसके बाद मार्च 2020 में विजय के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी। इस रेड में इनकम टैक्स की तरफ से कुछ फिगर जारी किए गए थे जिनमें बताया गया था कि विजय ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए कैश में लिए थे। इसके अलावा उनके घर काफी सारा कैश भी मिला था। मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बाइक सीक्वेंस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस सीक्वेंस में विजय बाइक राइड करते रहे होते हैं जिसमें उन्हें ड्रिफ्ट करते हुए भी दिखाया गया है। ये सीन फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस में से एक था। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। सुपरस्टार विजय की बिगल नहीं रिलीज हो रही है हिंदी में, यह है कारण। साथ ही जाने फिल्म की कहानी। सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म बिगल 25 अक्टूबर को सिनेमा घरों में होगी। इस फिल्म से हिंदी दर्शक महरूम रह जाएंगे क्योंकि इसे हिंदी भाषा में रिलीज नहीं किया जा रहा है, ये केवल तमिल और तेलुगु भाषा में लगाए जा रहे हैं। भले ही ये शुद्ध रूप से साउथ की फिल्म हो लेकिन इसका क्रेज हिंदी इलाकों में भी जबरदस्त है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब जब साउथ की फिल्में डब होकर
हाथों हाथ उत्तर भारत में भी रिलीज हो जाती है तो बिगल क्यों नहीं हो रही है? इस सवाल को आज जवाब मेकर्स ने दे दिया है। इस फिल्म की क्रिएटिव प्रोड्यूसर अर्चना कलापति ने कहा है कि हमने ये उम्मीद नहीं की थी पूरे भारत में इस फिल्म को लेकर माहौल बन जाएगा, इसलिए हमने केवल तमिल और तेलुगु वर्जन प्लान किए थे। हिंदी में डब करने में काफी वक्त लगता जो हमारे पास नहीं था। अगर हम हिंदी में इसे लाते तो दिवाली रिलीज मिस कर जाते। बता दें कि ये फिल्म उत्तर भारत में भी 200 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 180 करोड़ रुपए में बनाया गया और ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है और विजय ने पिछले काफी समय से इस जॉनर में काम नहीं किया था। AGS प्रोडक्शन ने इसे बनाया है। निर्देशक इटली ने बीगल को बनाया है। वे विजय के साथ दो सफल फिल्में थेरी और मार्शल बना चुके हैं। मेकर्स इस फिल्म से कमर्शियल फॉर्मेट में महिला संस्थिकरण पर भी एक संदेश दे रहे हैं। कहानी में विजय को कोच का रोल मिला है जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट में महिला टीम की मदद करते हैं। विजय के दो अवतार यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक कोच के रूप में और दूसरा गैंगस्टर के रूप में। इसमें एक्ट्रेस नयनतारा भी है। एक्टर जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में कॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। लगभग इस 10 साल के बाद बिगल में ये खलनायक के रूप में आ रहे हैं। इसमें आईएम विजयन और विवेक कथिन, आनंद राज, डैनियल वलाजी, योगी बाबू, देव दिशानी, सिंधु रविचंद्रन, रेवा मोनोजान और वर्षा बोलम्मा के भी खास रोल है। AR रहमान का म्यूजिक है जो काफी हिट हो चुका है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन साथी जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक कि 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत AR मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनकराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बीगल की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। जान लीजिए यहाँ फिल्म बिगल देखने से पहले पूरा रिव्यू और यहाँ देखे फिल्म को फ्री में। फिल्म के इंटरवल सीन में विजय यानी माइकल को रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है। जिस टाइम वो स्टेशन पर एंट्री लेता है उस समय तक ट्रेन चल चुकी होती है, तभी वो भागते हुए ट्रेन पर चढ़ता है। इस सीन को आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेन में चढ़ते समय वो सबसे पहले अपना लेफ्ट पैर आगे बढ़ाता है लेकिन ट्रेन के अंदर से दूसरे एंगल से जब वो सीन दिखाया जाता है तो उसका राइट वाला पैर आगे होता है। ये एक मिस्टेक थी जो आप में से काफी लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। इस फिल्म के लिए विजय ने फुटबॉल में स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। साथ ही फिल्म के मेन सीक्वेंस के लिए पॉपुलर स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर एमी मैकडेनियल और जस्टिन स्कीनर को बुलवाया गया था जो अपने करियर में पेले, बर्थ ऑफ ए लेजेंड, मिलियन डॉलर आर्म और 13 रीजन हाई जैसे फिल्मों के लिए भी काम कर चुके हैं।
इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद विजय ने अपने सभी क्रू मेंबर्स को 400 सोने की अंगूठी गिफ्ट की थी। इन सभी अंगूठी पर फिल्म का टाइटल बिगिल प्रीटेंट था। इसके बाद देश भर में विजय की काफी तारीफ हुई थी, लेकिन इस दौरान विजय इनकम टैक्स की नजरों में आ गए। इसके बाद मार्च 2020 में विजय के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी। इस रेड में इनकम टैक्स की तरफ से कुछ फिगर जारी किए गए थे, जिनमें बताया गया था कि विजय ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए कैश में लिए थे। इसके अलावा उनके घर काफी सारा कैश भी मिला था। मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बाइक सीक्वेंस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस सीक्वेंस में विजय बाइक राइड करते रहे होते हैं, जिसमें उन्हें ड्रिफ्ट करते हुए भी दिखाया गया है। ये सीन फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस में से एक था। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। सुपरस्टार विजय की बिगल नहीं रिलीज हो रही है हिंदी में, यह है कारण। साथ ही जाने फिल्म की कहानी। सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म बिगल 25 अक्टूबर को सिनेमा घरों में होगी। इस फिल्म से हिंदी दर्शक महरूम रह जाएंगे, क्योंकि इसे हिंदी भाषा में रिलीज नहीं किया जा रहा है। ये केवल तमिल और तेलुगु भाषा में लगाए जा रहे हैं। भले ही ये शुद्ध रूप से साउथ की फिल्म हो, लेकिन इसका क्रेज हिंदी इलाकों में भी जबरदस्त है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब जब साउथ की फिल्में डब होकर हाथों हाथ उत्तर भारत में भी रिलीज हो जाती है, तो बिगिल क्यों नहीं हो रही है। इस सवाल को आज जवाब मेकर्स ने दे दिया है। इस फिल्म की क्रिएटिव प्रोड्यूसर अर्चना कलापति ने कहा है कि हमने ये उम्मीद नहीं की थी पूरे भारत में इस फिल्म को लेकर माहौल बन जाएगा, इसलिए हमने केवल तमिल और तेलुगु वर्जन प्लान किए थे। हिंदी में डब करने में काफी वक्त लगता, जो हमारे पास नहीं था। अगर हम हिंदी में इसे लाते तो दिवाली रिलीज मिस कर जाते। बता दें कि ये फिल्म उत्तर भारत में भी 200 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 180 करोड़ रुपए में बनाया गया और ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, और विजय ने पिछले काफी समय से इस जॉनर में काम नहीं किया था। AGS प्रोडक्शन ने इसे बनाया है। निर्देशक इटली ने बिगल को बनाया है। वे विजय के साथ दो सफल फिल्में थेरी और मार्शल बना चुके हैं। मेकर्स इस फिल्म से कमर्शियल फॉर्मेट में महिला संस्थीकरण पर भी एक संदेश दे रहे हैं। कहानी में विजय को कोच का रोल मिला है, जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट में महिला टीम की मदद करते हैं। विजय के दो अवतार यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक कोच के रूप में और दूसरा गैंगस्टर के रूप में। इसमें एक्ट्रेस नयनतारा भी है। एक्टर जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में कॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। लगभग इस 10 साल के बाद बिगल में ये खलनायक के रूप में आ रहे हैं। इसमें आईएम विजयन और विवेक कथिर, आनंद राज, डैनियल वलाजी, योगी बाबू, देव दिशानी, सिंधु रविचंद्रन, रेवा मोनोजान और वर्षा बोलम्मा के भी खास रोल है। AR रहमान का म्यूजिक है, जो काफी हिट हो चुका है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगिल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था, जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक कि 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत AR मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच
बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वहीं अगर बात करें फिल्म बीगल की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। साथ में ले लूं, पिछले रूम भूल पे चले। मतलब कहें तो रोजे रखे जाते हैं और उतने ही जोश से इफ्तार पार्टीज मनाई जाती हैं। इफ्तार जो है वो लोग चाहे घरों पे हो उसी जोश के नाम सब आए और शाही इफ्तार पार्टी है। राजन सर ने याद किया है, बहुत सालों से उनके साथ बहुत ही प्यारा एक मेरा रिलेशन रहा है, तो बस उसी के लिए आए हैं यार, राजन सर के लिए आए हैं। हम कहते हैं जितने लोग सब सर के लिए आए हैं। बात करें राजन सर की, अगर राजन सर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या वो वर्ड? एक वर्ड कम पड़ेगा, बट ही इज अ विजनरी। आई थिंक ही इज अ विजनरी। आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ एक विजन था, चाहे वो सालों पहले देखा था कि आज वो डी के पी किस लेवल पर देखेंगे और क्या क्या वो करेंगे अपने प्रोडक्शन के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ। आज टच वो को कर रहे हैं और उन्होंने प्रूव किया है। शो इज अ मैन विद अ ग्रेट विजन। बात करें इस कार पार्टी में तो काफ़ी अलग किस्म के खाने बनते हैं, तो आपका फेवरेट क्या है जो आप एकदम क्रेव होता है कि हाँ? और हर काम चलते रहता है, जो रिस्पेक्ट और यूनिटी के जिंदगी है, नॉलेज करते हैं, खुशियां मनाएंगे, हर पल को एंजॉय कीजिए। जैसे जो भी कुछ आएगा मैं बताऊं। जैसा फीलिंग होता है और बहुत खुशी होती है।
जब आप ये सब फेस्टिवल में सब एक जगह आते हैं तो आपके फैंस भी वेट करते हैं कि कब कुछ नया आए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आएंगे आगे? इंशाल्लाह सब आएंगे और जैसे ही आएंगे मेरे सारे फैंस को मिलना चाहूँगा। लास्ट मैसेज टू फैंस एंड ऑडियंस। वेल सारे फैंस को सबको मैं अपनी तरफ से ईद मुबारक विश करना चाहूँगी। शुभांगी जी इधर। हेलो दादा, कैसे हो?
कैसी हो आप शिवांगी जी? वेरी गुड वेरी गुड। प्लीज जाके, मैं पहले बहुत लेट हूँ। हम लोग मिलते हैं अभी, मिलते हैं। जी जी बिल्कुल, आइए आइए, चलिए आने दीजिए, आइए आइए, आते रहिए। तो पीछे लेना अभी लाइट, एक मिनट यार घुस जाओगे। आइए मैं Hello, oh my god, how are you? How are you? पापा बेटी को साथ में करते करण सर, शिवांगी करण सर साथ में, शिवांगी जी। अरे दो मिनट तो दे दो, ब्रीदर तो दे दो किसी को जो आया। अरे वाह, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आई नहीं है, कब से सोच रहा हूँ वाली आएगी तो डेवलपमेंट। सबसे इंजरी आज आप प्लेस करो। Thank you.
यहाँ फिल्म बिगल देखने से पहले पूरा रिव्यू और यहाँ देखे फिल्म को फ्री में। फिल्म के इंटरवल सीन में विजय यानी माइकल को रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है। जिस टाइम वो स्टेशन पर एंट्री लेता है उस समय तक ट्रेन चल चुकी होती है, तभी वो भागते हुए ट्रेन पर चढ़ता है। इस सीन को आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेन में चढ़ते समय वो सबसे पहले अपना लेफ्ट पैर आगे बढ़ाता है, लेकिन ट्रेन के अंदर से दूसरे एंगल से जब वो सीन दिखाया जाता है तो उसका राइट वाला पैर आगे होता है। ये एक मिस्टेक थी जो आप में से काफी लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। इस फिल्म के लिए विजय ने फुटबॉल में स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। साथ ही फिल्म के मेन सीक्वेंस के लिए पॉपुलर स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर एमी मैकडेनियल और जस्टिन स्कीनर को बुलवाया गया था, जो अपने करियर में पेले, बर्थ ऑफ ए लेजेंड, मिलियन डॉलर आर्म और 13 रीजन हाई जैसे फिल्मों के लिए भी काम कर चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद विजय ने अपने सभी क्रू मेंबर्स को 400 सोने की अंगूठी गिफ्ट की थी। इन सभी अंगूठी पर फिल्म का टाइटल बिगिल प्रीटेंट था। इसके बाद देश भर में विजय की काफी तारीफ हुई थी, लेकिन इस दौरान विजय इनकम टैक्स की नजरों में आ गए। इसके बाद मार्च 2020 में विजय के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी। इस रेड में इनकम टैक्स की तरफ से कुछ फिगर जारी किए गए थे, जिनमें बताया गया था कि विजय ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए कैश में लिए थे। इसके अलावा उनके घर काफी सारा कैश भी मिला था। मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बाइक सीक्वेंस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस सीक्वेंस में विजय बाइक राइड करते रहे होते हैं, जिसमें उन्हें ड्रिफ्ट करते हुए भी दिखाया गया है। ये सीन फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस में से एक था। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। सुपरस्टार विजय की बिगल नहीं रिलीज हो रही है हिंदी में, ये है कारण। साथ ही जाने फिल्म की कहानी। सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म बिगल 25 अक्टूबर को सिनेमा घरों में होगी। इस फिल्म से हिंदी दर्शक महरूम रह जाएंगे, क्योंकि इसे हिंदी भाषा में रिलीज नहीं किया जा रहा है, ये केवल तमिल और तेलुगु भाषा में लगाए जा रहे हैं। भले ही ये शुद्ध रूप से साउथ की फिल्म हो, लेकिन इसका क्रेज हिंदी इलाकों में भी जबरदस्त है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब जब साउथ की फिल्म में डब होकर हाथों हाथ उत्तर भारत में भी रिलीज हो जाती है तो बिगल क्यों नहीं हो रही है। इस सवाल को आज जवाब मेकर्स ने दे दिया है। इस फिल्म की क्रिएटिव प्रोड्यूसर अर्चना कलापति ने कहा है कि हमने ये उम्मीद नहीं की थी पूरे भारत में इस फिल्म को लेकर माहौल बन जाएगा, इसलिए हमने केवल तमिल और तेलुगु वर्जन प्लान किए थे। हिंदी में डब करने में काफी वक्त लगता, जो हमारे पास नहीं था। अगर हम हिंदी में इसे लाते तो दिवाली रिलीज मिस कर जाते। बता दें कि ये फिल्म उत्तर भारत में भी 200 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 180 करोड़ रुपए में बनाया गया और ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, और विजय ने पिछले काफी समय से इस जॉनर में काम नहीं किया था। AGS प्रोडक्शन ने इसे बनाया है। निर्देशक इटली ने बीगल को बनाया है। वे विजय के साथ दो सफल फिल्में थेरी और मार्शल बना चुके हैं। मेकर्स इस फिल्म से कमर्शियल फॉर्मेट में महिला संस्थिकरण पर भी एक संदेश दे रहे हैं। कहानी में विजय को कोच का रोल मिला है, जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट में महिला टीम की मदद करते हैं। विजय के दो अवतार यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक कोच के रूप में और दूसरा गैंगस्टर के रूप में। इसमें एक्ट्रेस नयनतारा भी है। एक्टर जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में कॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। लगभग इस 10 साल के बाद बिगल में ये खलनायक के रूप में आ रहे हैं। इसमें आईएम विजयन और विवेक कथिर, आनंद राज, डैनियल वलाजी, योगी बाबू, देव दिशानी, सिंधु रविचंद्रन, रेवा मोनोजान और वर्षा बोलम्मा के भी खास रोल है। AR रहमान का म्यूजिक है, जो काफी हिट हो चुका है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगल।
जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक कि 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत A.R. मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बीगल की ओटीटी रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। जान लीजिए यहाँ फिल्म बिगल देखने से पहले पूरा रिव्यू और यहाँ देखे फिल्म को फ्री में। फिल्म के इंटरवल सीन में विजय यानी माइकल को रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है। जिस टाइम वो स्टेशन पर एंट्री लेता है उस समय तक ट्रेन चल चुकी होती है, तभी वो भागते हुए ट्रेन पर चढ़ता है। इस सीन को आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेन में चढ़ते समय वो सबसे पहले अपना लेफ्ट पैर आगे बढ़ाता है लेकिन ट्रेन के अंदर से दूसरे एंगल से जब वो सीन दिखाया जाता है तो उसका राइट वाला पैर आगे होता है। ये एक मिस्टेक थी जो आप में से काफी लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। इस फिल्म के लिए विजय ने फुटबॉल में स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। साथ ही फिल्म के मेन सीक्वेंस के लिए पॉपुलर स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर एमी मैकडेनियल और जस्टिन स्कीनर को बुलवाया गया था जो अपने करियर में पेले, बर्थ ऑफ ए लेजेंड, मिलियन डॉलर आर्म और 13 रीजन हाई जैसे फिल्मों के लिए भी काम कर चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद विजय ने अपने सभी क्रू मेंबर्स को 400 सोने की अंगूठी गिफ्ट की थी। इन सभी अंगूठी पर फिल्म का टाइटल बिगिल प्रीटेंट था। इसके बाद देश भर में विजय की काफी तारीफ हुई थी लेकिन इस दौरान विजय इनकम टैक्स की नजरों में आ गए। इसके बाद मार्च 2020 में विजय के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी। इस रेड में इनकम टैक्स की तरफ से कुछ फिगर जारी किए गए थे जिनमें बताया गया था कि विजय ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए कैश में लिए थे। इसके अलावा उनके घर काफी सारा कैश भी मिला था। मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बाइक सीक्वेंस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस सीक्वेंस में विजय बाइक राइड करते रहे होते हैं जिसमें उन्हें ड्रिफ्ट करते हुए भी दिखाया गया है। ये सीन फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस में से एक था। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। सुपरस्टार विजय की बिगल नहीं रिलीज हो रही है हिंदी में, यह है कारण। साथ ही जाने फिल्म की कहानी। सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म बिगल 25 अक्टूबर को सिनेमा घरों में होगी। इस फिल्म से हिंदी दर्शक महरूम रह जाएंगे क्योंकि इसे हिंदी भाषा में रिलीज नहीं किया जा रहा है। ये केवल तमिल और तेलुगु भाषा में लगाए जा रहे हैं। भले ही ये शुद्ध रूप से साउथ की फिल्म हो लेकिन इसका क्रेज हिंदी इलाकों में भी जबरदस्त है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब जब साउथ की फिल्में डब होकर हाथों हाथ उत्तर भारत में भी रिलीज हो जाती है तो बिगिल क्यों नहीं हो
रही है। इस सवाल को आज जवाब मेकर्स ने दे दिया है। इस फिल्म की क्रिएटिव प्रोड्यूसर अर्चना कलापति ने कहा है कि हमने ये उम्मीद नहीं की थी पूरे भारत में इस फिल्म को लेकर माहौल बन जाएगा, इसलिए हमने केवल तमिल और तेलुगु वर्जन प्लान किए थे। हिंदी में डब करने में काफी वक्त लगता जो हमारे पास नहीं था। अगर हम हिंदी में इसे लाते तो दिवाली रिलीज मिस कर जाते। बता दें कि ये फिल्म उत्तर भारत में भी 200 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 180 करोड़ रुपए में बनाया गया और ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है और विजय ने पिछले काफी समय से इस जॉनर में काम नहीं किया था। AGS प्रोडक्शन ने इसे बनाया है। निर्देशक इटली ने बीगल को बनाया है। वे विजय के साथ दो सफल फिल्में थेरी और मार्शल बना चुके हैं। मेकर्स इस फिल्म से कमर्शियल फॉर्मेट में महिला संस्थिकरण पर भी एक संदेश दे रहे हैं। कहानी में विजय को कोच का रोल मिला है जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट में महिला टीम की मदद करते हैं। विजय के दो अवतार यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक कोच के रूप में और दूसरा गैंगस्टर के रूप में। इसमें एक्ट्रेस नयनतारा भी है। एक्टर जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में कॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। लगभग इस 10 साल के बाद बिगिल में ये खलनायक के रूप में आ रहे हैं। इसमें आई एम विजयन और विवेक कथिन, आनंद राज, डैनियल वलाजी, योगी बाबू, देव दिशानी, सिंधु रविचंद्रन, रेवा मोनोजान और वर्षा बोलम्मा के भी खास रोल है। AR रहमान का म्यूजिक है जो काफी हिट हो चुका है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगिल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन साथी जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगिल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक कि 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत AR मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनकराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बीगल की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। जान लीजिए यहाँ फिल्म बिगिल देखने से पहले पूरा रिव्यू और यहाँ देखे फिल्म को फ्री में। फिल्म के इंटरवल सीन में विजय यानी माइकल को रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है। जिस टाइम वो स्टेशन पर एंट्री लेता है उस समय तक ट्रेन चल चुकी होती है, तभी वो भागते हुए ट्रेन पर चढ़ता है। इस सीन को आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेन में चढ़ते समय वो सबसे पहले अपना लेफ्ट पैर आगे बढ़ाता है लेकिन ट्रेन के अंदर से दूसरे एंगल से जब वो सीन दिखाया जाता है तो उसका राइट वाला पैर आगे होता है। ये एक मिस्टेक थी जो आप में से काफी लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। इस फिल्म के लिए विजय ने फुटबॉल में स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। साथ ही फिल्म के मेन सीक्वेंस के लिए पॉपुलर स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर एमी मैकडेनियल और जस्टिन स्कीनर को बुलवाया गया था जो अपने करियर में पेले, बर्थ ऑफ ए लेजेंड, मिलियन डॉलर आर्म और 13 रीजन हाई जैसे फिल्मों के लिए भी काम कर चुके हैं।
इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद विजय ने अपने सभी क्रू मेंबर्स को 400 सोने की अंगूठी गिफ्ट की थी। इन सभी अंगूठी पर फिल्म का टाइटल बिगिल प्रीटेंट था। इसके बाद देश भर में विजय की काफी तारीफ हुई थी, लेकिन इस दौरान विजय इनकम टैक्स की नजरों में आ गए। इसके बाद मार्च 2020 में विजय के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी। इस रेड में इनकम टैक्स की तरफ से कुछ फिगर जारी किए गए थे, जिनमें बताया गया था कि विजय ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए कैश में लिए थे। इसके अलावा उनके घर काफी सारा कैश भी मिला था। मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बाइक सीक्वेंस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस सीक्वेंस में विजय बाइक राइड करते रहे होते हैं, जिसमें उन्हें ड्रिफ्ट करते हुए भी दिखाया गया है। ये सीन फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस में से एक था। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। सुपरस्टार विजय की बिगल नहीं रिलीज हो रही है हिंदी में, यह है कारण। साथ ही जाने फिल्म की कहानी। सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म बिगल 25 अक्टूबर को सिनेमा घरों में होगी। इस फिल्म से हिंदी दर्शक महरूम रह जाएंगे, क्योंकि इसे हिंदी भाषा में रिलीज नहीं किया जा रहा है। ये केवल तमिल और तेलुगु भाषा में लगाए जा रहे हैं। भले ही ये शुद्ध रूप से साउथ की फिल्म हो, लेकिन इसका क्रेज हिंदी इलाकों में भी जबरदस्त है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब जब साउथ की फिल्में डब होकर हाथों हाथ उत्तर भारत में भी रिलीज हो जाती है, तो बिगिल क्यों नहीं हो रही है। इस सवाल को आज जवाब मेकर्स ने दे दिया है। इस फिल्म की क्रिएटिव प्रोड्यूसर अर्चना कलापति ने कहा है कि हमने ये उम्मीद नहीं की थी पूरे भारत में इस फिल्म को लेकर माहौल बन जाएगा, इसलिए हमने केवल तमिल और तेलुगु वर्जन प्लान किए थे। हिंदी में डब करने में काफी वक्त लगता, जो हमारे पास नहीं था। अगर हम हिंदी में इसे लाते तो दिवाली रिलीज मिस कर जाते। बता दें कि ये फिल्म उत्तर भारत में भी 200 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 180 करोड़ रुपए में बनाया गया और ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, और विजय ने पिछले काफी समय से इस जॉनर में काम नहीं किया था। AGS प्रोडक्शन ने इसे बनाया है। निर्देशक इटली ने बिगल को बनाया है। वे विजय के साथ दो सफल फिल्में थेरी और मार्शल बना चुके हैं। मेकर्स इस फिल्म से कमर्शियल फॉर्मेट में महिला संस्थीकरण पर भी एक संदेश दे रहे हैं। कहानी में विजय को कोच का रोल मिला है, जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट में महिला टीम की मदद करते हैं। विजय के दो अवतार यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक कोच के रूप में और दूसरा गैंगस्टर के रूप में। इसमें एक्ट्रेस नयनतारा भी है। एक्टर जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में कॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। लगभग इस 10 साल के बाद बिगल में ये खलनायक के रूप में आ रहे हैं। इसमें आईएम विजयन और विवेक कथिर, आनंद राज, डैनियल वलाजी, योगी बाबू, देव दिशानी, सिंधु रविचंद्रन, रेवा मोनोजान और वर्षा बोलम्मा के भी खास रोल है। AR रहमान का म्यूजिक है, जो काफी हिट हो चुका है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगिल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था, जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक कि 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत AR मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच
बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वहीं अगर बात करें फिल्म बीगल की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। आई थिंक किसी ने इफ्तारी नहीं करी अच्छे से। गुड इवनिंग डीकेपी फैमिली। हाँ, थोड़े समोसे तो खाएंगे। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? सीरियल आर्टिस्ट। We request everybody please join us. अरे भाई आ जाना पीछे। Please सर शांति रख, शांतर हम शांति। इधर थोड़ा सा देंगे। थोड़ा अच्छे कटिंग करना है। आपको चाहिए तो करने की लाइव शो चले भी जाओ। अरे भी जाओ लाइव पीछे चले जाओ। कौशल गैला सर मैं जाऊंगा। कि भाई सही है ना? ए भी जाओ ले भी जाओ। अरे मोबाइल निकाल। हेलो I request everybody to keep calm and keep spirits. Rakshanda, please come this side. I request Rajan sir, please say a few words. Yes, yes. Loves Rajan sir and DKB, please come. This will help us. अगर आप लोग पांच पांच कदम पीछे जाओगे ना, हमारे कुछ लोग जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, काम कर वो भी आ जाएगा केक काटने। पीछे हो भाइयों। टुडे काय करते हो, बातें कुछ अनकही सी हो। सारी टीम जो यहाँ पर आई है, अलबेला की ऑल आर टीम, अच्छा लगता है कि एक जब फैमिली सब मिलती है, कि मैंने हमेशा ये बोला है कि एक अच्छी टीम वो होती है जो बहुत मेहनत भी करती है, बट टाइम के साथ ऊपर वाले को खुदा को थैंक यू भी मिलती है, लोगों को थैंक यू भी मिलती है, और फैमिलीज स्पेशली जो आई है सबकी थैंक यू, उनकी ब्लेसिंग, उनकी सपोर्ट की वजह से ये कंपनी की बरकत है। टू एवरीबडी हु इज कम हियर, यू नो फाइन आई वोंट स्टार्ट नेमिंग एवरीबडी, एवरी डिपार्टमेंट हु इज पार्ट ऑफ आवर कंपनी, आवर टीम, ऑल द सीनियर मेंबर्स, ऑल द एक्टर्स, यूनिट क्रू, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये मानना है कि कुछ मॉम एंड आई बिलीव, तो ये पार्टी मॉम और मैं होस्ट कर रहे हैं, तो हमारा मानना ये है कि कोई भी यूनिट की या कोई भी शो की तरक्की सब तब होती है जब उनके वर्कर्स, उनके जो यूनिट, जो क्रू होती है वो खुश रहती है, और उनकी वजह से ही एक बरकत मिलती है। सो टोटली थैंक यू सारे हमारे वर्कर भाई, सारे हमारे यूनिट, सारे हमारे फेडरेशन, हमारे भाई लोग, जूनियर्स, एवरीबडी, जो एक पूरी टीम बिहाइंड द सीन जो काम करती है, वो करिए और हम सब ग्रो करें, एंड ऑफ कोर्स टू एवरीबडी। एंड फर्स्ट आई विल जस्ट स्टार्ट विद विश यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, सक्सेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी, एंड गॉड ब्लेस यू रूपाली। अरे मेरा ट्रांसफर ले यार। चक्कर आ रहा है, किसको आ रहा है भाई?
फिलहाल तू लाइट पीछे ले नहीं, लाइट चला के मार हमारा रोल कर यार, किसका रोल नहीं है, रोल नहीं है, रोल नहीं है। मजाक मत कर यार, ऐसा मजाक मत करो कभी। स्पेसिफिकली सचिन जी, स्वाति जी, अनियति थोड़ा सा आगे आ जाएंगे बिकॉज जो आज भी स्पेयर हेड कर रहे हैं विद द मोस्ट क्रिटिकल फेजेस ऑफ ये रिश्ता। Brilliant writing team, one of the oldest still writing the show. I would say the youngest is Bhavna, writing all the brilliant shows, and of course the other writers are, some of them are not there. But to the entire creative writing direction, Romiji is there, the DOPs are there, R.A. Vivek, Ranjit ji, everybody support is there, all our directors are there. But aaj ek special facilitation kar rahe hain. First to Swati ji. But you are part of DKP, will always be a part of DKP, and thank you so so much. The cinema's artist on the set has been such a great honor for us. Really, thank you so much. Professionalism, darling. इतना मैंने कहा कि आपको बहुत शर्म आने लगे क्योंकि बोले कि नहीं बोले। थैंक यू अगेन नियति हैज कंसिस्टेंटली ओवर द टाइम व्हेन वी हैड अ लीव्स दिस दैट एवरीथिंग नियति ने कभी क्वेश्चन नहीं किया एंड वी डोंट नो जनरेशन व्हिच कम्स टू लर्न Gracias.
I couldn't have asked for something more. Rajan ji aur Dipali hamesha itni izzat dete hain ki kabhi kabhi dar lagta hai ki kisi ki nazar na lag jaye. बहुत प्यार करते हैं और बस मैं कोशिश यही करूँगी कि हमेशा इतनी मेहनत करूँ, इतनी शिद्दत से काम करूँ कि मैं उनका ये प्यार अर्न कर सकूँ. आई नीड टू बी वर्थ द लव दे गिव. जो भी काम के लिए तरसा है ना, उसे अपने आप इंस्पिरेशन मिल जाती है. काम करते रहना है, जब वो एक मौका मिले, जो ऐसा मौका हो, रुक जा, अनुपमा जैसा मौका हो, जो बहुत कम लोगों की किस्मत में आता है, जब वो एक मौका मिले तो लानत है उस इंसान पर अगर वो मेहनत नहीं करे तो. मतलब ऐसा रोल मिलना, इट्स अ गॉड सेंड रोल फॉर एनी एक्टर. मुझे बस मेहनत ही करनी है. सब कुछ तो थाली में परोस के मिलता है. राइटर्स इतना अच्छा लिखते हैं. राजन जी की जो सोच है, मेरे डायरेक्टर्स हैं हर स्टेप पर गाइड करने के लिए, मेरे एडिटर्स हैं, मेरे मेरा कैमरामैन है, अगर हेमंत जी नहीं होते तो फिर मैं डायरेक्टिंग भी होता. सो तो सो नाइस. अरे हेमंत जी सर, नरेंद्र मोदी जी जो हमेशा कहते हैं वो चेक सेट करते हुए मीटिंग्स करते हैं, फिर यू नो इवन वायरस जंपिंग टाइमलाइन द टाइम जोन. हेमंत जी इज माय फर्स्ट प्रोड्यूसर. उतर के मेहनत करने लगा था. थैंक यू मैडम. प्रेस ने कहा था जब प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर स्टीफन जा रुपाली के साथ दिल है की माता ने सोनी हेमंत जी है प्रोड्यूस. अगर वो मुझे इंटूराज लेकर चलते थे सारे प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर जो ऐसे पूरी बटालियन चलती थी साथ में, वहाँ हमारे मोदी जी जो इतने सिंपल है, यू नो सात्विक आहार खा के मेहनत 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 और देश की सेवा में जो उन्होंने अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगा दिया. और वो एक चीज उनकी मेरी जहन में अटक गई थी. सर एक बार यू टीम ऑफ ये रिश्ता अनिता जी एवरीबॉडी ऑल द यू एडिशन ऑल द यू कैन टेक सेवा में जो किया ऑल ऑफ यू हैव टू टेक द लेगेसी है. काम करते रहने का काम मिला है और जब फैमिली मिली है सीन द लेगेसी विच हैज बीन क्रिएटेड हियर मेरे हस्बैंड आई लव हिम. हां मैं रोज सुबह घर से निकलती मेरे पास ये बैग रहता है. एंड मैं जान लीजिए यहाँ फिल्म बिगल देखने से पहले
पूरा रिव्यू और यहाँ देखें फिल्म को फ्री में। फिल्म के इंटरवल सीन में विजय यानी माइकल को रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है। जिस टाइम वो स्टेशन पर एंट्री लेता है उस समय तक ट्रेन चल चुकी होती है, तभी वो भागते हुए ट्रेन पर चढ़ता है। इस सीन को आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेन में चढ़ते समय वो सबसे पहले अपना लेफ्ट पैर आगे बढ़ाता है, लेकिन ट्रेन के अंदर से दूसरे एंगल से जब वो सीन दिखाया जाता है तो उसका राइट वाला पैर आगे होता है। ये एक मिस्टेक थी जो आप में से काफी लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। इस फिल्म के लिए विजय ने फुटबॉल में स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। साथ ही फिल्म के मेन सीक्वेंस के लिए पॉपुलर स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर एमी मैकडेनियल और जस्टिन स्कीनर को बुलवाया गया था, जो अपने करियर में पेले, बर्थ ऑफ ए लेजेंड, मिलियन डॉलर आर्म और 13 रीजन हाई जैसे फिल्मों के लिए भी काम कर चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद विजय ने अपने सभी क्रू मेंबर्स को 400 सोने की अंगूठी गिफ्ट की थी। इन सभी अंगूठी पर फिल्म का टाइटल बिगिल प्रीटेंट था। इसके बाद देश भर में विजय की काफी तारीफ हुई थी, लेकिन इस दौरान विजय इनकम टैक्स की नजरों में आ गए। इसके बाद मार्च 2020 में विजय के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी। इस रेड में इनकम टैक्स की तरफ से कुछ फिगर जारी किए गए थे, जिनमें बताया गया था कि विजय ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए कैश में लिए थे। इसके अलावा उनके घर काफी सारा कैश भी मिला था। मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बाइक सीक्वेंस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस सीक्वेंस में विजय बाइक राइड करते रहे होते हैं, जिसमें उन्हें ड्रिफ्ट करते हुए भी दिखाया गया है। ये सीन फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस में से एक था। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। सुपरस्टार विजय की बिगल नहीं रिलीज हो रही है हिंदी में, यह है कारण। साथ ही जाने फिल्म की कहानी। सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म बिगल 25 अक्टूबर को सिनेमा घरों में होगी। इस फिल्म से हिंदी दर्शक महरूम रह जाएंगे, क्योंकि इसे हिंदी भाषा में रिलीज नहीं किया जा रहा है, ये केवल तमिल और तेलुगु भाषा में लगाए जा रहे हैं। भले ही ये शुद्ध रूप से साउथ की फिल्म हो, लेकिन इसका क्रेज हिंदी इलाकों में भी जबरदस्त है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब जब साउथ की फिल्में डब होकर हाथों हाथ उत्तर भारत में भी रिलीज हो जाती है तो बिगल क्यों नहीं हो रही है। इस सवाल को आज जवाब मेकर्स ने दे दिया है। इस फिल्म की क्रिएटिव प्रोड्यूसर अर्चना कलापति ने कहा है कि हमने ये उम्मीद नहीं की थी पूरे भारत में इस फिल्म को लेकर माहौल बन जाएगा, इसलिए हमने केवल तमिल और तेलुगु वर्जन प्लान किए थे। हिंदी में डब करने में काफी वक्त लगता, जो हमारे पास नहीं था। अगर हम हिंदी में इसे लाते तो दिवाली रिलीज मिस कर जाते। बता दें कि ये फिल्म उत्तर भारत में भी 200 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 180 करोड़ रुपए में बनाया गया और ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है और विजय ने पिछले काफी समय से इस जॉनर में काम नहीं किया था। AGS प्रोडक्शन ने इसे बनाया है। निर्देशक इटली ने बिगल को बनाया है। वे विजय के साथ दो सफल फिल्में थेरी और मार्शल बना चुके हैं। मेकर्स इस फिल्म से कमर्शियल फॉर्मेट में महिला संस्थीकरण पर भी एक संदेश दे रहे हैं। कहानी में विजय को कोच का रोल मिला है, जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट में महिला टीम की मदद करते हैं। विजय के दो अवतार यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक कोच के रूप में और दूसरा गैंगस्टर के रूप में। इसमें एक्ट्रेस नयनतारा भी है। एक्टर जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में कोलियोड में वापसी कर रहे हैं। लगभग इस 10 साल के बाद बिगल में ये खलनायक के रूप में आ रहे हैं। इसमें आईएम विजयन और विवेक कथिर, आनंद राज, डैनियल वलाजी, योगी बाबू, देव दिशानी, सिंधु रविचंद्रन, रेवा मोनोजान और वर्षा बोलम्मा के भी खास रोल है। AR रहमान का म्यूजिक है, जो काफी हिट हो चुका है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन, साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में,
थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था, जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक कि 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत A.R. मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वहीं अगर बात करें फिल्म बीगल की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। जान लीजिए यहाँ फिल्म बिगल देखने से पहले पूरा रिव्यू और यहाँ देखें फिल्म को फ्री में। फिल्म के इंटरवल सीन में विजय यानी माइकल को रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है। जिस टाइम वो स्टेशन पर एंट्री लेता है, उस समय तक ट्रेन चल चुकी होती है। तभी वो भागते हुए ट्रेन पर चढ़ता है। इस सीन को आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेन में चढ़ते समय वो सबसे पहले अपना लेफ्ट पैर आगे बढ़ाता है, लेकिन ट्रेन के अंदर से दूसरे एंगल से जब वो सीन दिखाया जाता है तो उसका राइट वाला पैर आगे होता है। ये एक मिस्टेक थी जो आप में से काफी लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। इस फिल्म के लिए विजय ने फुटबॉल में स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। साथ ही फिल्म के मेन सीक्वेंस के लिए पॉपुलर स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर एमी मैकडेनियल और जस्टिन स्कीनर को बुलवाया गया था, जो अपने करियर में पेले, बर्थ ऑफ ए लेजेंड, मिलियन डॉलर आर्म और 13 रीजन हाई जैसे फिल्मों के लिए भी काम कर चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद विजय ने अपने सभी क्रू मेंबर्स को 400 सोने की अंगूठी गिफ्ट की थी। इन सभी अंगूठी पर फिल्म का टाइटल बिगिल प्रीटेंट था। इसके बाद देश भर में विजय की काफी तारीफ हुई थी, लेकिन इस दौरान विजय इनकम टैक्स की नजरों में आ गए। इसके बाद मार्च 2020 में विजय के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी। इस रेड में इनकम टैक्स की तरफ से कुछ फिगर जारी किए गए थे, जिनमें बताया गया था कि विजय ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए कैश में लिए थे। इसके अलावा उनके घर काफी सारा कैश भी मिला था। मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बाइक सीक्वेंस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस सीक्वेंस में विजय बाइक राइड करते रहे होते हैं, जिसमें उन्हें ड्रिफ्ट करते हुए भी दिखाया गया है। ये सीन फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस में से एक था। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। सुपरस्टार विजय की बिगल नहीं रिलीज हो रही है हिंदी में, यह है कारण। साथ ही जाने फिल्म की कहानी। सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म बिगल 25 अक्टूबर को सिनेमा घरों में होगी। इस फिल्म से हिंदी दर्शक महरूम रह जाएंगे, क्योंकि इसे हिंदी भाषा में रिलीज नहीं किया जा रहा है। ये केवल तमिल और तेलुगु भाषा में लगाए जा रहे हैं। भले ही ये शुद्ध रूप से साउथ की फिल्म हो, लेकिन इसका क्रेज हिंदी इलाकों में भी जबरदस्त है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब जब साउथ की फिल्में डब होकर हाथों हाथ उत्तर भारत में भी रिलीज हो जाती है, तो बिगिल क्यों नहीं हो रही है। इस सवाल को आज जवाब मेकर्स ने दे दिया है। इस फिल्म की
अनुसार अर्चना कलापति ने कहा है कि हमने ये उम्मीद नहीं की थी पूरे भारत में इस फिल्म को लेकर माहौल बन जाएगा, इसलिए हमने केवल तमिल और तेलुगु वर्जन प्लान किए थे। हिंदी में डब करने में काफी वक्त लगता जो हमारे पास नहीं था। अगर हम हिंदी में इसे लाते तो दिवाली रिलीज मिस कर जाते। बता दें कि ये फिल्म उत्तर भारत में भी 200 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 180 करोड़ रुपए में बनाया गया और ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है और विजय ने पिछले काफी समय से इस जॉनर में काम नहीं किया था। AGS प्रोडक्शन ने इसे बनाया है। निर्देशक इटली ने बीगल को बनाया है। वे विजय के साथ दो सफल फिल्में थेरी और मार्शल बना चुके हैं। मेकर्स इस फिल्म से कमर्शियल फॉर्मेट में महिला संस्थिकरण पर भी एक संदेश दे रहे हैं। कहानी में विजय को कोच का रोल मिला है जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट में महिला टीम की मदद करते हैं। विजय के दो अवतार यहां पर दिखाए गए हैं, एक कोच के रूप में और दूसरा गैंगस्टर के रूप में। इसमें एक्ट्रेस नयनतारा भी है। एक्टर जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में कॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। लगभग इस 10 साल के बाद बिगल में ये खलनायक के रूप में आ रहे हैं। इसमें आईएम विजयन और विवेक कथिर, आनंद राज, डैनियल वलाजी, योगी बाबू, देव दिशानी, सिंधु रविचंद्रन, रेवा मोनोजान और वर्षा बोलम्मा के भी खास रोल है। AR रहमान का म्यूजिक है जो काफी हिट हो चुका है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक कि 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत AR मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनकराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बीगल की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। जान लीजिए यहाँ फिल्म बिगल देखने से पहले पूरा रिव्यू और यहाँ देखे फिल्म को फ्री में। फिल्म के इंटरवल सीन में विजय यानी माइकल को रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है। जिस टाइम वो स्टेशन पर एंट्री लेता है उस समय तक ट्रेन चल चुकी होती है, तभी वो भागते हुए ट्रेन पर चढ़ता है। इस सीन को आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेन में चढ़ते समय वो सबसे पहले अपना लेफ्ट पैर आगे बढ़ाता है लेकिन ट्रेन के अंदर से दूसरे एंगल से जब वो सीन दिखाया जाता है तो उसका राइट वाला पैर आगे होता है। ये एक मिस्टेक थी जो आप में से काफी लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। इस फिल्म के लिए विजय ने फुटबॉल में स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। साथ ही फिल्म के मेन सीक्वेंस के लिए पॉपुलर स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर एमी मैकडेनियल और जस्टिन स्कीनर को बुलवाया गया था जो अपने करियर में पेले, बर्थ ऑफ ए लेजेंड, मिलियन डॉलर आर्म और 13 रीजन हाई जैसे फिल्मों के लिए भी काम कर चुके हैं।
इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद विजय ने अपने सभी क्रू मेंबर्स को 400 सोने की अंगूठी गिफ्ट की थी। इन सभी अंगूठी पर फिल्म का टाइटल बिगिल प्रीटेंट था। इसके बाद देश भर में विजय की काफी तारीफ हुई थी, लेकिन इस दौरान विजय इनकम टैक्स की नजरों में आ गए। इसके बाद मार्च 2020 में विजय के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी। इस रेड में इनकम टैक्स की तरफ से कुछ फिगर जारी किए गए थे, जिनमें बताया गया था कि विजय ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए कैश में लिए थे। इसके अलावा उनके घर काफी सारा कैश भी मिला था। मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बाइक सीक्वेंस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस सीक्वेंस में विजय बाइक राइड करते रहे होते हैं, जिसमें उन्हें ड्रिफ्ट करते हुए भी दिखाया गया है। ये सीन फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस में से एक था। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। सुपरस्टार विजय की बिगल नहीं रिलीज हो रही है हिंदी में, यह है कारण। साथ ही जाने फिल्म की कहानी। सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म बिगल 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में होगी। इस फिल्म से हिंदी दर्शक महरूम रह जाएंगे, क्योंकि इसे हिंदी भाषा में रिलीज नहीं किया जा रहा है। ये केवल तमिल और तेलुगु भाषा में लगाए जा रहे हैं। भले ही ये शुद्ध रूप से साउथ की फिल्म हो, लेकिन इसका क्रेज हिंदी इलाकों में भी जबरदस्त है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब जब साउथ की फिल्म में डब होकर हाथों हाथ उत्तर भारत में भी रिलीज हो जाती है, तो बिगल क्यों नहीं हो रही है। इस सवाल को आज जवाब मेकर्स ने दे दिया है। इस फिल्म की क्रिएटिव प्रोड्यूसर अर्चना कलापति ने कहा है कि हमने ये उम्मीद नहीं की थी पूरे भारत में इस फिल्म को लेकर माहौल बन जाएगा, इसलिए हमने केवल तमिल और तेलुगु वर्जन प्लान किए थे। हिंदी में डब करने में काफी वक्त लगता, जो हमारे पास नहीं था। अगर हम हिंदी में इसे लाते तो दिवाली रिलीज मिस कर जाते। बता दें कि ये फिल्म उत्तर भारत में भी 200 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 180 करोड़ रुपए में बनाया गया और ये एक फोर्स ड्रामा है, और विजय ने पिछले काफी समय से इस जॉनर में काम नहीं किया था। AGS प्रोडक्शन ने इसे बनाया है। निर्देशक इटली ने बीगल को बनाया है। वे विजय के साथ दो सफल फिल्में थेरी और मार्शल बना चुके हैं। मेकर्स इस फिल्म से कमर्शियल फॉर्मेट में महिला संस्थीकरण पर भी एक संदेश दे रहे हैं। कहानी में विजय को कोच का रोल मिला है, जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट में महिला टीम की मदद करते हैं। विजय के दो अवतार यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक कोच के रूप में और दूसरा गैंगस्टर के रूप में। इसमें एक्ट्रेस नयनतारा भी है। एक्टर जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में कॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। लगभग इस 10 साल के बाद बिगल में ये खलनायक के रूप में आ रहे हैं। इसमें आईएम विजयन और विवेक कथिर, आनंद राज, डैनियल वलाजी, योगी बाबू, देव दिशानी, सिंधु रविचंद्रन, रेवा मोनोजान और वर्षा बोलम्मा के भी खास रोल है। AR रहमान का म्यूजिक है, जो काफी हिट हो चुका है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन, साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलापति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था, जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक कि 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत AR मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच
बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वहीं अगर बात करें फिल्म बीगल की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। जान लीजिए यहाँ फिल्म बिगल देखने से पहले पूरा रिव्यू, और यहाँ देखे फिल्म को फ्री में। फिल्म के इंटरवल सीन में विजय यानी माइकल को रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है। जिस टाइम वो स्टेशन पर एंट्री लेता है, उस समय तक ट्रेन चल चुकी होती है। तभी वो भागते हुए ट्रेन पर चढ़ता है। इस सीन को आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेन में चढ़ते समय वो सबसे पहले अपना लेफ्ट पैर आगे बढ़ाता है, लेकिन ट्रेन के अंदर से दूसरे एंगल से जब वो सीन दिखाया जाता है तो उसका राइट वाला पैर आगे होता है। ये एक मिस्टेक थी जो आप में से काफी लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। इस फिल्म के लिए विजय ने फुटबॉल में स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। साथ ही फिल्म के मेन सीक्वेंस के लिए पॉपुलर स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर एमी मैकडेनियल और जस्टिन स्कीनर को बुलवाया गया था, जो अपने करियर में पेले, बर्थ ऑफ ए लेजेंड, मिलियन डॉलर आर्म और 13 रीजन हाई जैसे फिल्मों के लिए भी काम कर चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद विजय ने अपने सभी क्रू मेंबर्स को 400 सोने की अंगूठी गिफ्ट की थी। इन सभी अंगूठी पर फिल्म का टाइटल बिगिल प्रीटेंट था। इसके बाद देश भर में विजय की काफी तारीफ हुई थी, लेकिन इस दौरान विजय इनकम टैक्स की नजरों में आ गए। इसके बाद मार्च 2020 में विजय के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी। इस रेड में इनकम टैक्स की तरफ से कुछ फिगर जारी किए गए थे, जिनमें बताया गया था कि विजय ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए कैश में लिए थे। इसके अलावा उनके घर काफी सारा कैश भी मिला था। मार्च 2020 में फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बाइक सीक्वेंस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस सीक्वेंस में विजय बाइक राइड करते रहे होते हैं, जिसमें उन्हें ड्रिफ्ट करते हुए भी दिखाया गया है। ये सीन फिल्म के बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस में से एक था। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। सुपरस्टार विजय की बिगल नहीं रिलीज हो रही है हिंदी में, ये है कारण। साथ ही जाने फिल्म की कहानी। सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म बिगल 25 अक्टूबर को सिनेमा घरों में होगी। इस फिल्म से हिंदी दर्शक महरूम रह जाएंगे, क्योंकि इसे हिंदी भाषा में रिलीज नहीं किया जा रहा है। ये केवल तमिल और तेलुगु भाषा में लगाए जा रहे हैं। भले ही ये शुद्ध रूप से साउथ की फिल्म हो, लेकिन इसका क्रेज हिंदी इलाकों में भी जबरदस्त है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब जब साउथ की फिल्म में डब होकर हाथों हाथ उत्तर भारत में भी रिलीज हो जाती है, तो बिगल क्यों नहीं हो रही है। इस सवाल को आज जवाब मेकर्स ने दे दिया है। इस फिल्म की क्रिएटिव प्रोड्यूसर अर्चना कलापति ने कहा है कि हमने ये उम्मीद नहीं की थी पूरे भारत में इस फिल्म को लेकर माहौल बन जाएगा, इसलिए हमने केवल तमिल और तेलुगु वर्जन प्लान किए थे। हिंदी में डब करने में काफी वक्त लगता, जो हमारे पास नहीं था। अगर हम हिंदी में इसे लाते तो दिवाली रिलीज मिस कर जाते। बता दें कि ये फिल्म उत्तर भारत में भी 200 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 180 करोड़ रुपए में बनाया गया और ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, और विजय ने पिछले काफी समय से इस जॉनर में काम नहीं किया था। AGS प्रोडक्शन ने इसे बनाया है। निर्देशक इटली ने बीगल को बनाया है। वे विजय के साथ दो सफल फिल्में थेरी और मार्शल बना चुके हैं। मेकर्स इस फिल्म से कमर्शियल फॉर्मेट में महिला संस्थिकरण पर भी एक संदेश दे रहे हैं। कहानी में विजय को कोच का रोल मिला है, जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट में महिला टीम की मदद करते हैं।
विजय के दो अवतार यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक कोच के रूप में और दूसरा गैंगस्टर के रूप में। इसमें एक्ट्रेस नैन तारा भी है। एक्टर जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में कॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। लगभग इस 10 साल के बाद बिगल में ये खलनायक के रूप में आ रहे हैं। इसमें आईएम विजयन और विवेक कथिर, आनंद राज, डैनियल वलाजी, योगी बाबू, देव दिशानी, सिंधु रविचंद्रन, रेवा मोनोजान और वर्षा बोलम्मा के भी खास रोल है। एआर रहमान का म्यूजिक है जो काफी हिट हो चुका है। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है बिगल। जाने फिल्म का टोटल कलेक्शन साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। थलपति विजय तमिल फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती है और एक के बाद एक बड़े पर्दे पर हिट होने के बाद प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2019 में उन्हें बिगिल नामक फिल्म में देखा गया था जिसमें लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी मुख्य भूमिका में थी। ये विजय की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 295.28 करोड़ रुपए कमाए। बिगल का निर्देशन इटली ने किया था और यहाँ तक कि 2017 की रिलीज मार्शल का निर्देशन भी फिल्म निर्माता ने किया था। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ रुपए कमाए। विजय, कीर्ति सुरेश और बरलक्ष्मी शरद कुमार अभिनीत एआर मुरुगदस की सरकार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 252 करोड़ रुपए रहा। विजय स्टारर मास्टर महामारी के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली पहली फिल्मों में से एक थी। लोकेश कनगराज निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 223 करोड़ रुपए कमाए। विजय की हालिया रिलीज बीस्ट को नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ली। हालांकि फिल्म की गति धीमी हो गई और अब तक इसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए है। वही अगर बात करें फिल्म बीगल की ओटीटी रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है।